इतिहासिक नगर बाबा बकाला साहिब विखे तड़के 3:30 बजे के करीब मेन रोड बटाला स्थित मरहूम निहंग मुखी अजीत सिंह पूहला के डेरे से एक होर निहंग आगू रणजीत सिंह रणिया वालों अपने समर्थकों समेत डेरे से कब्जा करने के मनोरथ नाल हमला किया गया। इस दौरान दोवे धिरों में वड्डी पद्धर से गोलियां चलन और इस दौरान 3 निहंग सिंघां दे जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को पहला सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया जिस तों बाद उन्होंने अमृतसर रैफर कर दिया गया। पुलिस ने निहंग रणजीत सिंह रणिया और उसके होर साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। खतरा मैंने अजीत सिंह पूला तो बचाया जाए जिहड़ा कि बाद इनकुआरी झूठियां साबित हुई साड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने डैथ तो बाद क्लेम कर लग पे जिहड़ा कि एक झूठा है भगौड़ा है। साड़ा केस FCR चंडीगढ़ की अदालत चल रहा बस उसके बावजूद भी अज तड़के कोई 3:30 बजे नाल सानू जानो मार की नीयत सड़ते हमला किया। कुछ तकरीबन 50-60 निहंग सीगे आते सारे उन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी जिदा कि असं पहले ही पुलिस प्रशासन इतलाह दे चुके से भी सानू डारा सड़ते हमला किया जाएगा पर उसके बावजूद भी सड़ते हमला किया। बाबा जी के मदर जेडे कि फ्रीडम फाइटर भी हैं नाल सारे परिवार से सड़ते हमला किया गोलियां के बाद निशाना गोलियां मार के गए हैं सानू जान तो मरन की धमकी पहला बड़े चिर तो मिल रही थी असं बार बार प्रशासन को दस रहे थे जिदा कि अज उन्हें नजायज फायदा चुक के सड़ते हमला किया। डेरा कहते ना दिया डेरे की प्रॉपर्टी बाबा जी के बाई नेम उन्होंने नाम से है बाबा अजीत सिंह कुला पुत्र नाथ सिंह के नाते रजिस्ट्रिया ने उन्होंने ठीक है। तो कोई उन्होंने कोई की झगड़ा वा दूजे ने कहना तुम दस्या तो है भी उस बंदे दे नाल साडा पर्टिकुलर झगड़ा उन्हें क्लेम कर रहा साडी प्रॉपर्टी नूं जिहड़ा कि झूठा है। अदालत चल रहा कोई अदालत ही साडी FCR चंडीगढ़ की अदालत साडा केस चल रहा है। की रात की वाक्य होया फिर कदों किन्ने बजे की गल 3:30-4 बजे की गल है साडे दरबार हॉल दे इधरले डेरे वाली साइड तो एंट्री की इन्होंने एंट्री करके सीधिया गोली चलानी स्टार्ट कर दी है तेरा कि साढ़े बंद ने सू दसिया कि इधर भी एंटर किया सू तो गोली की आवाजों का पता लगा भी अंदर एंटर कर चुके हूँ की मांग कर दी साड़ी मांग है भी फड़िया गया तो कार्रवाई की जाए झूठा बंदा यदि पड़ताल की जाए सारी चंगी तरह ये साड़ी सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए असं बार बार इस चीज़ की मांग करते हैं। इसे ये साढ़े एक गल होर ये पिछले एक हफ्ते तो साढ़े घर के आले दुआले रेकी कर रहा है जिदी कि असी प्रशासन को इस बारे इतलाह भी दी सी उस रेकी का इन्हें फायदा चुक के साढ़े हमला किया। अजीत सिंह पुले का डेरा आ उहदे डेरे ते उहदी माता उहदी भैण उहदा भतीजा ते उहदा भांजा रहिंदे आ ते एक रणजीत सिंह है जो कि बसरावां दा रहने वाला आ उह इस जगह ते अपनी हक जताउंदा तो उन्हें अपने नाल अज तकरीबन सवेरे 3:30 बजे अपने नाल लैके 30-35 के करीब हमलावर लिया के उन्हें दांगा सोटियां तो राइफलों नाल गोलियां चलाते हमला कर दिता जो असी मौके पर पहुँच के कार्रवाई की है। तो जिहड़ा उहदा भांजा है पुले का उहदे बयान ते असीं पर्चा दर्ज करके अगली तफ्तीश आरंभ की है। पर रणजीत सिंह दा वाकई हमला उहदे वल्लों होया वा उहदे भांजे वल्लों होया उह तां जिहड़ा उहदा भांजा उह तां अपने घर बैठा जिहड़ा रणजीत सिंह आ उह बाहरों 35-40 हमलावर लै के आया जे उह सारा साडी इन्वेस्टिगेशन उहदे संबंध में चल रही है जिहड़ा हमला आ उह उहनां कीता। किन्ने कु वजे दा वाकया जी इह कोई 3:30 बजे दा सर किन्ने जख्मी होए जी इहदे विच कोई सानूं हाले कोई पूरा कन्फर्म नहीं है ना ही सानू कोई रिटली कोई आया 3 के करीब जख्मी सुने हैं कोई मौत भी हुई सर कोई हाले तक सानू इस संबंध में कोई कन्फर्म रिपोर्ट किन्ने राउंड फायर किन्ने बंदे अरेस्ट किए हाले तक साडी इन्वेस्टिगेशन चलती है उस तो बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन दे विच जो भी आएगा उस संबंध में ठीक है। कोई मौके ते फड़िया भी गया वाजी हाले तक साडी इन्वेस्टिगेशन चलती है वो जानकारी बाद में किन्ने राउंड फायर होए छे वो अंदाजा तो कोई 40-50 के करीब है पर देखते हैं अजे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किन्ने जने अरेस्ट किए फिलहाल हाले तक कोई अरेस्ट नहीं मुड़ी तफ्तीश की है सामने मुड़ी तफ्तीश ਦੇ ਵਿੱਚ देखो हाले तो उन्होंने घर आ कि उन्होंने हमला किया वो साडी इन्वेस्टिगेशन चलती है। ये विवाद किस गल का है
ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।